मतलब साथ में ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। अगर हाँ, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा भाई। मैं आप लोगों के लिए ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग जॉब लेके आता हूँ। तो देखिए कितना धूप का, घर बैठे भाई कुछ नहीं होने वाला। अगर आप कोई भी छोटा मोटा कोई भी जॉब चाहते हैं तो आपको घर से बाहर निकालना पड़ेगा और इसी तरह से मेहनत करना पड़ेगा। ये देखिए मैं आ गया, ये कुम्हार पार्क बस स्टॉप, और ये जो आप लोग बाउंड्री देख रहे हैं, बाउंड्री है किलोमीटर से ऊपर। मैं पैदल चल चुका हूँ और जो है मुझे अभी तक कहीं पे मतलब फ्रेश जॉब मतलब एकाएक जॉब नहीं मिला है कि हम या आज से या कल से ज्वाइनिंग करेंगे। अपोलो हॉस्पिटल, तो भाई अभी मैं पटना के अपोलो हॉस्पिटल आया था और देखिए यहाँ पे मैं जानने का कोशिश किया कि रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो भाई बताया कि अभी तो फिलहाल नहीं है, आप अपना रिज्यूम दे दीजिए, जैसे ही रिक्वायरमेंट आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। तो भाई यहाँ पे 10th पास ही रिक्वायरमेंट, जैसे हेल्पर का रिक्वायरमेंट है। और देखिए ये बगल में ही अपोलो बस स्टैंड, आप लोग देख रहे हैं अपोलो बस स्टैंड। तो यहाँ आके अपना अपोलो में फिलहाल अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कुछ दिन के बाद रिक्वायरमेंट यहाँ रहेगा। तो आप रिज्यूम दे दीजिएगा तो ये लोग अपना कॉल करके बुला लेंगे। तो भाई यहाँ पे कोई रहता नहीं है, पेमेंट आपको बता दूँ, पेमेंट 8000 बताया, 8000 और 10 घंटा आपको यहाँ वर्क करना पड़ेगा। तो फिलहाल पेमेंट नहीं है इसीलिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट। भाई ये अपोलो हॉस्पिटल आदमकुआं में है, आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे ज़्यादा मेडिकल मतलब यहाँ पे ज़्यादा हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए मैं बार अधिकतर हॉस्पिटल के बारे में नहीं दिखा पाया। यहाँ पे बस वो अपोलो हॉस्पिटल और NMCH और कुछ दो चार हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। तो मैं यहाँ से निकलता हूँ अशोक राजपथ, अशोक राजपथ से आप लोगों को हॉस्पिटल में अगर जो भी जॉब चाहते हैं तो नेक्स्ट ब्लॉग मेरा देखिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं अशोक राजपथ निकल रहा हूँ। आप लोगों को पता होगा कि अशोक राजपथ में जो है सिर्फ ओनली हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल NMCH आ गया हूँ और यहाँ पे देखते हैं, जानने का कोशिश करते हैं। कुम्हार पार्क के जस्ट सामने आध्या हॉस्पिटल, और ये देखिए पूरा जस्ट सामने अगर जाइएगा तो ये आयुष हॉस्पिटल, यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ पे जॉब मिलता है कि नहीं। और देखिए ये मेरे पीछे कुम्हार पार्क का गेट और कुम्हार पार्क के जस्ट सामने आयुष हॉस्पिटल। तो भाई यहाँ आयुष हॉस्पिटल में भी रिक्वायरमेंट फिलहाल नहीं है। तो अभी भाई इसी तरह से आपको भी जॉब ढूंढना है, जॉब खोजना है, अगर कहीं पे जॉब चाहते हैं नोएडा जाइए, दिल्ली जाइए, कहीं पर अच्छा अगर जॉब खोजते हैं तो इसी तरह से मेरे तरह आपको जॉब सर्च करना पड़ेगा। तो भाई भाई घर बैठे कुछ नहीं होगा, बाहर निकलिएगा, कहीं ना कहीं जॉब मिलेगा। देखिए ये देख रहे हैं आयुष हॉस्पिटल, देखिए भाई यहाँ से कुम्हार पार्क का बाउंड्री समाप्त होता है और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और पकड़ रहा हूँ ऑटो अशोक राजपथ। अच्छा मेडिकल में जॉब के लिए मैं अशोक राजपथ के लिए निकल रहा हूँ और यह इतना आप लोगों को दिखा है। तो भाई अगर कपल का अच्छा नज़ारा देखना चाहते हैं तो आइए कुम्हार पार्क, और कुम्हार पार्क में घूम सकते हैं। अभी तो मैं फिलहाल नहीं घुमा हूँ और देखता हूँ शाम तक होगा, फिर इधर अगर आएँगे कुम्हार पार्क में आप लोगों को छोटा सा ब्लॉग बना के दिखाएँगे। ये देखिए मैं आ गया, ये कुम्हार पार्क बस स्टॉप, और ये जो आप लोग बाउंड्री देख रहे हैं, बाउंड्री ये कुम्हार पार्क का है। तो भाई देखिए अभी धूप का मौसम और कितना मुझे गर्मी लग रहा है, घर बैठे भाई कुछ नहीं होने वाला। अगर आप कोई भी छोटा मोटा कोई भी जॉब चाहते हैं तो आपको घर से बाहर निकालना पड़ेगा और इसी तरह से मेहनत करना पड़ेगा। देखिए अभी मैं लगभग दो किलोमीटर से ऊपर मैं पैदल चल चुका हूँ और जो है मुझे अभी तक कहीं पे मतलब फ्रेश जॉब मतलब एकाएक जॉब नहीं मिला है कि हम या आज से या कल से ज्वाइनिंग करेंगे। तो मैं फिलहाल जब तक मुझे मिलेगा नहीं तब तक मैं रुकूंगा नहीं, मैं जॉब खोज के और आप लोगों को बताएंगे कहाँ पे आप लोग आइएगा और मतलब साथ में ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा।
अगर हाँ, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा भाई। मैं आप लोगों के लिए ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग जॉब लेके आता हूँ। तो देखिए कितना धूप का मौसम है, ये कुम्हार पार्क का बाउंड्री चल रहा है, आगे हॉस्पिटल मिलेगा या नहीं मुझे पता नहीं है। तो मैं फिलहाल अशोक राजपथ निकल रहा हूँ। अशोक राजपथ अगर मेडिकल में जॉब चाहते हैं तो अशोक राजपथ जरूर निकलिए, और अशोक राजपथ में इजी से जॉब हो जाएगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इजी से मुश्किल भी नहीं, कोई ना कोई हॉस्पिटल में जॉब हो जाएगा। इधर फिलहाल हॉस्पिटल ज़्यादा है नहीं, इसलिए मुझे अभी तक फिलहाल मैं 3 ही हॉस्पिटल जा चुका हूँ, और अशोक राजपथ में रहता तो अभी तक 10 हॉस्पिटल छान मार लिया रहता। चलिए मैं मिलता हूँ इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये सनोडा का सर्विस सेंटर था, क्योंकि वहाँ मैं गया, SIS गार्ड था, उनसे मैं पूछा कि भाई यहाँ पे जॉब मुझे चाहिए, लेकिन वहाँ पे देख रहा होगा SIS का सिक्योरिटी गार्ड, बोला भाई यहाँ कोई जॉब नहीं मिलेगा। चलिए मैं फिलहाल चल रहा हूँ आगे, आगे देखता हूँ, आगे कोशिश करता हूँ।